Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी शेफ रुबीना। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन हराम मसाला। ये कराची की मशहूर कढ़ाई है। इसके लिए हमने लिया है 1 किलो चिकन। चलें अब इसको बनाना शुरू करते हैं। पैन हमारा गर्म हो गया हुआ है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 कप ऑयल। ये देखें 1 कप ऑयल है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। जैसे ही तेल हमारा थोड़ा सा गर्म होता है, हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट को मोटा मोटा कूट लिया है, वो इसमें ऐड करूंगी। को हल्का सा सेक लग गया हुआ है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह भूनेंगे, फ्राई करेंगे इसको अच्छी तरह। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे। 1 कप पानी। एक चम्मच इसमें नमक ऐड कर देंगे और इसको ढांप के रख देंगे। 5 मिनट के लिए इसको ढांप के फिर रख देंगे। जब इसका खुश्क हो जाएगा तो फिर इसको मसाले डाल के भूनेंगे इसको। चलिए 5 मिनट के लिए इसको पकाते हैं। पानी हमारा खुश्क हो चुका है, बस ये थोड़ा सा रह गया है। तो साथ ही हम थोड़ा सा एक्सेस ऑयल निकाल लेंगे, थोड़ा सा ऑयल इसमें से कम कर लेंगे। आधा चम्मच वाइट पेपर डालूंगी। आधा चम्मच धनिया पाउडर पिसा हुआ। जीरा पिसा हुआ। आधा चम्मच काली मिर्च पिसी हुई। तीन से चार चम्मच हरा मसाला। हरे मसाले में मैंने थोड़ा सा धनिया लिया है, पुदीना और 2 हरी मिर्चें ली थी और इनको ग्राइंडर में ब्लेंड कर लिया है। अब इन सब चीजों को मिक्स करेंगे और इन सब मसालों को अच्छी तरह भूनेंगे। तीन से चार चम्मच दही के डालेंगे। 3 और ये 4 चम्मच। इन तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स करके भूनेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे, जब तक ये सारे मसालों में पानी खुश्क नहीं हो जाता, दही का पानी जो है खुश्क नहीं हो जाता, तब तक इसको भूनेंगे।
मसाला हमारा अच्छी तरह खुश्क हो गया है, इसमें पानी नहीं है। अब इस स्टेज पे आके हम इसमें फ्रेश स्प्रिंग डालेंगे। एक से दो मिनट तक इसको पकाएंगे। अच्छी तरह मिक्स करके करूंगी मैं पहले इसको। अभी हम इसको एक से दो मिनट तक के लिए पकाएंगे। जैसे ही ये पक जाते हैं फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाया है और ऑयल हमारा निकल आया है। इस पोजीशन पे आके हमारा जो चिकन हरा मसाला तैयार है। अब हम इसको गार्निश करेंगे अदरक से। मजेदार चिकन हरा मसाला तैयार है। ये कराची की मशहूर कढ़ाई है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।